विद्यार्थियों नमस्कार, मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूगर कॉलेज बीकानेर, आपका इतिहास की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा बीए तृतीय वर्ष के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से तैयार की गई है। इससे पहले विद्यार्थियों, मैंने आपसे चर्चा की थी आपकी प्रथम इकाई के एक टॉपिक भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश के समय में हिंदुस्तान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, इस संदर्भ में मैंने आपसे चर्चा की थी। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी हुकूमत कायम की। विद्यार्थियों, बंगाल और बिहार और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी हुकूमत कायम करना और विशेष रूप से प्लासी और बक्सर के माध्यम से जो उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार किया, वह न केवल यूरोपीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह संयोग नहीं कहा जा सकता कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ही अंग्रेजों की बंगाल में विजय के बाद हुई। इतिहासकारों का यह मानना है कि यदि बंगाल से प्राप्त आर्थिक संसाधन, उत्पादन और वितरण के संसाधन, बंगाल से मिलने वाला बड़े पैमाने पर सोना चांदी और इसके साथ साथ कच्चे माल के रूप में मिला हुआ जूट, ये सब यदि इंग्लैंड को नहीं मिलता तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को चलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता। और इतिहासकारों का कहना है कि यदि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आर्थिक संसाधन जो प्लासी और बक्सर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे, यदि वह न मिलते तो यॉर्कशायर, मैनचेस्टर और लंकाशायर की सूती वस्त्र मिलों के जो इंजन थे, कारखानों में जो मशीनों के जो इंजन थे, भाप के जो इंजन जेम्स वॉट ने बनाए, उन इंजनों को चलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता भले ही जेम्स वॉट कितने भाप के इंजन लगाते। तो इस प्रकार की कई बातें की गई है। तो कुल मिलाकर इन बातों को समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिकली आर्थिक चरित्र क्या था। कंपनी की नीतियों का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी न किसी प्रकार से दो बातों पर हमेशा ध्यान दिया जाए। नंबर वन, व्यापार वाणिज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात उससे भी ज़्यादा कि रेवेन्यू जनरेशन यानी राजस्व प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कमी न आए, व्यापार को बढ़ाने और राजस्व प्राप्ति के ज़्यादा से ज़्यादा मौके ढूंढे जाए और इसके लिए किसी भी प्रकार के अवसर को नहीं गंवाया जाए। जैसे कि हमें तंजौर के राजा प्रताप सिंह का उदाहरण मिलता है। तंजौर के राजा प्रताप सिंह से देवीकोट का किला छीन लिया गया, बजाय इसके कि तंजौर के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने विवरणों में तंजौर के राजा को अपना मित्र कहा। फ्रांसीसियों के खिलाफ कंपनी के जो अभियान थे उसमें तंजौर का राजा उनकी मदद कर रहा था, बावजूद इसके कंपनी ने उससे देवीकोट का किला छीनने में जरा सी भी आनाकानी नहीं बरती। तो ये कंपनी के मूल आर्थिक चरित्र को बताता है। कंपनी के निदेशक ये चाहते थे कि कंपनी केवल व्यापारियों का एक समूह ही नहीं रहे, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार वाणिज्य के जरिए रेवेन्यू हासिल करें। और हम देखते हैं कि कंपनी ने वाकई इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया कि कंपनी 18वीं शताब्दी के प्रथम मध्यार्ध में ब्रिटिश सरकार को पहले 10 लाख पाउंड का लोन दे रही है और बाद में 40 लाख पाउंड का कर्जा दे रही है। यह 10 लाख पाउंड और 40 लाख पाउंड का सालाना कर्जा हिंदुस्तान से एक के रेवेन्यू से ही जनरेट किया गया, आर्थिक संसाधनों से जुटाया गया पैसा था। तो ये कंपनी का मूल आर्थिक चरित्र था, जिसको जॉन सुलिवन ने एक बहुत ही उम्दा कथन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक तंत्र को, उसके आर्थिक तंत्र की प्रकृति को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारा आर्थिक तंत्र यानी ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम एक स्पंज की तरह काम करता है, जो गंगा किनारे की उपजाऊ वस्तु को सोख कर इंग्लैंड में टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देता है। तो अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक मकसद को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान को एक ऐसे सोर्स के रूप में देखा जो उनके लिए कच्चे माल की प्राप्ति का जरिया बनता था और इसके साथ ही साथ उनके द्वारा उत्पादित माल को खपाने के लिए बाजार के रूप में भी वो उभर कर सामने आता था। तो इन्हीं परिप्रेक्ष्य में हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी ने किस प्रकार से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी सत्ता को कायम किया और कौन सी राजनीतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी जो कंपनी के अनुकूल बनती जा रही थी। इन तमाम बातों को समझने के लिए हम इस टॉपिक को
कुल मिलाकर विद्यार्थियों दो भागों में बांटेंगे और दो भागों में बांटकर हम इसको समझने का अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियाँ और किस प्रकार की राजनीतिक गुटबंदियों का माहौल न केवल बंगाल बिहार और उड़ीसा में बल्कि केंद्रीय स्तर पर काम कर रहा था, जिससे कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान में और स्पेशली बंगाल बिहार और उड़ीसा में अपने शिकंजे को मजबूत करने का मौका मिला। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कंपनियों का आगमन बंगाल में किस दौर में हो रहा है। हम सबसे पहले 1651 में यह उल्लेख देखते हैं कि हुगली में अंग्रेजों ने अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित की और हुगली उस वक्त शाहजा के बेटे शाह सुजा के पास था और उसी साल यानी लगभग 1651 में ही राज परिवार की एक स्त्री का इलाज अंग्रेज डॉक्टर बॉटन ने सफलतापूर्वक किया और इसके बदले में मुगल साम्राज्य की तरफ से अंग्रेजों को 3,000 रुपये वार्षिक के बदले में बंगाल बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की सुविधा मिली। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठियों का विस्तार किया। उन्होंने पटना में अपनी नई व्यापारिक कोठी बनाई। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान ने सुतानटी गोविंदपुर और कोलकाता के इलाके लगभग 1200 रुपये में जो अंग्रेजों ने इनके पुराने मालिकों को दिए थे 1200 रुपये में अंग्रेजों को दे दिए और आगे चलकर यही सुतानटी गोविंदपुर और कोलकाता के इलाके आधुनिक कोलकाता कलकत्ता के रूप में सामने आए और अंग्रेजों ने वहाँ पर अपना मजबूत किला जो कि फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है वो पर उन्होंने वहाँ पर निर्मित किया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से पतन के गर्त की तरफ बढ़ चला और मुगल दरबार गुटबंदियों के दौर से गुजरने लगा। बंगाल इस वक्त 1701 में अपने सबसे योग्यतम जो मुगल साम्राज्य का सबसे योग्यतम सूबेदार था औरंगजेब की नज़रों में, क्योंकि वो सूबेदार यानी मुर्शिद कुली खान बंगाल बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू से मुगल सम्राट औरंगजेब को 1 करोड़ रुपया सालाना भेजा करता था। इसलिए औरंगजेब उससे प्रसन्न था और ये पैसा औरंगजेब के लिए डेक्कन में लड़े जाने वाले युद्धों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसलिए औरंगजेब ने एक प्रकार से मुर्शिद कुली खान को सारे अधिकार हुकूमत दे दी और उसको खुद मुख्तियार कर दिया और इवन यहाँ तक कह दिया कि मुर्शिद कुली खान मैं तुम्हारे खिलाफ़ किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं सुनूंगा, यानी जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ़ शिकायत करेगा मैं उसको अमान्य घोषित कर दूंगा, तुम अपने मामलात में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। तो लगभग 1701 से लेकर 1724 तक बंगाल की सूबेदारी मुर्शिद कुली खान के पास रही और उसके बाद अगले 17 साल तक लगभग 1740 तक यह बंगाल की सूबेदारी मुर्शिद कुली खान के दामाद शुजा खान के पास रही। 1741 में अलीवर्दी खान ने बगावत करके सत्ता पर नियंत्रण खुद कायम कर लिया और 1740 से लगभग 1756 तक अलीवर्दी खान बंगाल बिहार और उड़ीसा की हुकूमत को संभाले रखा। तो ये बंगाल के सूबेदारों का क्रम था। अब हम उन राजनीतिक परिस्थितियों को भी देखेंगे और उन आर्थिक परिस्थितियों को भी देखेंगे जिन परिस्थितियों में कंपनी की नज़रें बंगाल बिहार और उड़ीसा पर टिकी। देखिए सबसे बड़ी मूल बात यह है कि कंपनी का मूल चरित्र आर्थिक था, व्यापारिक चरित्र था, लेकिन कंपनी इस बात को ये जानती थी कि यदि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है तो हमें जो भी संसाधन मिल रहे हैं, जो भी कच्चा माल हमें मिल रहा है वो हमें कम से कम लागत पर मिले और इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ पर कायम हो जाए कि बंगाल बिहार उड़ीसा का खुद का जो लोकल प्रोडक्शन है स्पेशली सूती वस्त्र उद्योग वो ख़त्म हो जाए, यहाँ की बेहतरीन मलबल का बिजनेस ख़त्म हो जाए, यहाँ के सूती वस्त्रों का प्रोडक्शन ख़त्म हो जाए और हिंदुस्तान के लोग केवल हमारे इंग्लैंड में निर्मित कल कारखानों के माल को ही लेवे पसंद करें और ये तभी संभव था जबकि उनके पास कोई और जरिया नहीं हो। और इसके लिए ये ज़रूरी था कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक ताकत हासिल करने की कोशिश करें। तो आर्थिक संसाधनों पर कब्जा पाने की कोशिशों ने कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हवा दी और इसी दृष्टि से उन्होंने आगे सोचना चालू किया। 1717 में सम्राट सरूकर सिंह ने उन तमाम सुविधाओं को नया फरमान जारी करके बहाल कर दिया गया जो कि 1651 में कंपनी को मिली थी, यानी कर मुक्त व्यापार का अधिकार 3,000 रुपये में। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हवा दी और उन्होंने
फोर्ट विलियम की किलेबंदी की। तो फोर्ट विलियम की जब किलेबंदी की गई तो अली वर्दी खान ने उनको टोक दिया। अली वर्दी खान ने उनको कहा कि आप लोगों को किलेबंदी से क्या मतलब, आप लोगों को सेना रखने से क्या मतलब, आप लोगों को तोपे रखने से क्या मतलब, जबकि आपकी सुरक्षा के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ। तो कंपनी ने अली वर्दी खान की बात को तवज्जो दी और अपनी किलेबंदी के विस्तार को रोका। अली वर्दी खान ने कंपनी के बारे में ये कहा था कि ये यूरोपीय कंपनियां एक मधुमक्खी की तरह हैं, जब तक इनको नहीं छेड़ा जाए तो ये शहद देगी और यदि इनको छेड़ा गया तो ये काट काट के लाल कर देगी। यानी कि अली वर्दी खान खुद यूरोपीय कंपनियों की बढ़ती हुई ताकत को समझता था और स्पेशली वो उनके नेवल पावर से काफ़ी हद तक सशंकित था। उसने खुद एक बार कहा था कि यहाँ ज़मीन में आग लगी हुई और मैं ज़मीन पर लगी हुई आग को मैं नहीं बुझा सकता, तो समुद्र में लगी हुई आग को मैं कैसे बुझाऊंगा। और जल्दी अली वर्दी खान को नहीं लेकिन अली वर्दी खान के अगले उत्तराधिकारी जो अली वर्दी खान का दोहिता था सिराजुद्दौला को इस समुद्र से लगी हुई आग को देखना पड़ा। 1756 में अली वर्दी खान के बाद बंगाल का अगला नवाब सिराजुद्दौला बना। तो जिन परिस्थितियों में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, उन परिस्थितियों में बंगाल के लिए जरूरत थी एक योग्य, अच्छे और समझदार नवाब की, जबकि इन गुणों का सिराजुद्दौला में बड़ा अभाव था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसके प्रति वो सम्मान नहीं दिखा रही थी जो दिखाना चाहिए था। नवाब की गलतियाँ थी, कमियाँ नवाब में भी थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतें उससे भी ज़्यादा गलत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला के बंगाल का नवाब बनने पर अपनी तरफ से कोई बधाई नहीं भेजी, कोई नजराना नहीं दिया, कोई उपहार नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने नवाब के आदेशों का उल्लंघन करके फोर्ट विलियम की किलेबंदी और तेज कर दी और वहाँ पर तोपें बिठा दी। नवाब सिराजुद्दौला के सामने कंपनी की परेशानी तो थी, इसके साथ साथ उसे पूर्णिया के नवाब अपने रिश्तेदार शौकत जंग की महत्वाकांक्षा से निपटना था, अपनी मौसी घसीटी बेगम की महत्वाकांक्षा से निपटना था। इसके अलावा कई गद्दार गुपचुप रूप से और काम कर रहे थे, कंपनी से मिले हुए थे, जिसमें खुद सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, इसके अलावा राय दुर्लभ, जगत सेठ और एक और बिचौलिया वो भी इसके अंदर काम कर रहा था। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे। अमी चंद, मारवाड़ी सेठ अमी चंद, वो भी इस प्रकरण के अंदर जुड़ा हुआ था। तो जब कंपनी ने नवाब की आपत्तियों को दरकिनार किया और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों को शरण दे दी जो कि नवाब द्वारा सजा दिए जाने के डर से भाग कर आ गए थे और कंपनी की शरण में आ गए थे, और नवाब के बार बार कहने के बावजूद कंपनी ने इनको लौटाया नहीं, तो नवाब के गुस्से का पारावार नहीं रहा और नवाब ने फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। और फोर्ट विलियम से काफ़ी सैनिक और होलवेल और बाकी और बहुत सारे लोग उछल कर फाल्टा टापू में उन्होंने शरण ले ली। नवाब ने उनका पीछा नहीं किया और फाल्टा टापू पर उनका पीछा नहीं किया जाना सामरिक दृष्टि से नवाब की एक बड़ी भूल थी जो उसको काफ़ी महंगी पड़ी। एक्चुअली फाल्टा एक प्रकार से अंग्रेज़ों के लिए एक नेवल नौसैनिक अड्डा, नौसैनिक गढ़ बन गया और जल्दी क्लाइव एक बड़ी सेना लेकर आ गया और फाल्टा वालों की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। उधर इसी बीच जब नवाब ने फोर्ट विलियम पर हमला किया तो वहाँ पर एक और घटना का उल्लेख मिलता है जिसके बारे में एक सत्यता के बारे में काफ़ी संदेह, और ये कहा जाता है कि इस घटना को बड़ा चढ़ाकर होलवेल ने प्रस्तुत किया था। होलवेल जो इसका बेसिकली कैरेक्टर ही झूठा था और जो झूठी बातों को गढ़ने में बड़ा माहिर था। होलवेल ने यह आरोप लगाया कि नवाब ने फोर्ट विलियम पर हमला करने के बाद लगभग 146 अंग्रेज स्त्री पुरुषों और बच्चों को एक ऐसी कोठरी में बंद कर दिया जो लगभग 14 फुट 10 इंच के आसपास चौड़ी थी, और जब अगले दिन सुबह उसमें से जब लोगों को निकाला गया तो उसमें से केवल 23 लोग की जीवित बचे और बाकी 123 की मृत्यु हो गई। लेकिन इस घटना की सत्यता के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है, इसका उल्लेख नहीं मिलता काफ़ी जगहों पर, और इवन समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन अपने ग्रंथ सियारुल मुतवारखिन में भी इस घटना का उल्लेख नहीं कर रहा, और ऐसा कहा जाता है कि इस घटना को होलवेल ने अपनी तरफ से घड़ा था। और दूसरी बात यह कि इतनी कम आकार की कोठरी में इतने लोगों को ठूस ठूस कर भी भरा जाए
तो भी ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस घटना की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह पैदा किया जाता है। जो भी हो, उधर फाल्टा में अंग्रेज डेरा डाले हुए बैठे थे और दूसरी तरफ क्लाइव, क्लाइव जो कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्लाइव जिसका दिमाग बहुत ही शातिर था और जो हिंदुस्तान में और स्पेशली बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो क्लाइव एक सेना लेकर वहाँ पर पहुँच गया और क्लाइव ने इस प्रकार का राजनीतिक जाल बिछाया कि फोर्ट विलियम और कलकत्ता का सेंटर एक बार फिर से अंग्रेज़ों को मिल गया और बिचौलियों ने नवाब के साथ, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर नवाब को इस प्रकार की संधि करवा दी और नवाब के मन में इस प्रकार का भय पैदा कर दिया कि अंग्रेज़ों से युद्ध करना बड़ा भारी भरकम काम है और बड़ा मुश्किल काम है। और उस वक्त अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी डिंगे मारी थी और वॉटसन ने यह कहा था कि हम बंगाल के चप्पे चप्पे में आग लगा देंगे और ऐसी आग लगा देंगे जो बुझेगी नहीं। तो इस प्रकार से नवाब को सशंकित कर दिया गया और परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार की संधि हुई कि जीतने के बावजूद संधि की शर्तों से ऐसा लगा कि नवाब हारा है। नवाब ने कंपनी को युद्ध का हर्जाना देना स्वीकार किया, नवाब ने कंपनी को व्यापार वाणिज्य की सुविधा देना स्वीकार किया और इसके साथ साथ नवाब ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार भी दिया। इस प्रकार की बहुत सारी सहूलियतें कंपनी को दी गई, लेकिन कंपनी की महत्वाकांक्षाएँ इतनी बातों से पूरी नहीं होने वाली थी। अब एक नया कूचक्र रचा गया विद्यार्थियों, और यह कूचक्र एक ऐसा कूचक्र था जो जिसको आप प्लासी के युद्ध के नाम से भी जान सकते हैं। जून 1757 में यह प्लासी का युद्ध लड़ा गया और बेसिकली प्लासी का युद्ध अंग्रेजी रणकौशल की जीत नहीं थी, इट वॉज विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश डिप्लोमेसी, यह ब्रिटिश कूटनीति की जीत थी। कुल मिलाकर इसमें कंपनी के 50 से ज़्यादा आदमी नहीं मारे गए और नवाब के 5000 आदमी मारे गए। कंपनी की सेना में 950 यूरोपियन थे, 2100 भारतीय थे और लगभग 100-150 के बीच तोपची थे। और नवाब अपनी सेना लेकर प्लासी के मैदान में आ गया, उसके साथ उसका सेनापति मीर जाफर, मीर मदान और सोहनलाल ये थे। तो जब तक मीर मदान और सोहनलाल ईमानदारी से लड़ते रहे, निष्ठा से और लड़े भी, तब तक नवाब का पलड़ा भारी रहा। लेकिन जैसे ही मीर मदान की मृत्यु हुई, उसको गोली लगी, तो उसके बाद एक प्रकार से खलबली मच गई और मीर जाफर जो ऑलरेडी अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था और जिसके साथ मिलकर अंग्रेज़ों ने ये पूरे से पहले से षड्यंत्र रच रखा था कि बंगाल का नया नवाब मीर जाफर को बनाया जाएगा, क्योंकि वो कंपनी की राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा और कंपनी को व्यापार वाणिज्य में सहूलियतें देगा और काफ़ी कुछ चीज़ें करेगा। उसने यहाँ तक कंपनी को कहा था कि वो 1,00,000 रुपये महीने के हिसाब से भी कंपनी को देगा, इसके अलावा 24 परगना के इलाके भी दिए जाएंगे। ये सारी बातें थी और ये बातें बाद में निभाई भी गई। तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को कहा कि आप यहाँ से जाइए और मैं युद्ध को संभाल लूँगा। और जैसे मीर सिराजुद्दौला का युद्ध भूमि से रवाना प्रस्थान हुआ, वैसे ही मीर जाफर ने युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी, क्लाइव से गले मिला, क्लाइव को युद्ध की जीत की बधाई दी और क्लाइव ने भी उसको बंगाल का नवाब के नाम से संबोधित किया। बाद में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर ने काफ़ी पैसा अंग्रेज़ों को दिया, 2,34,000 के 2,34,000 पाउंड के आसपास तो करीबन क्लाइव को दिया गया। इसके अलावा 50,00,000 रुपये आसपास ब्रिटिश सैनिकों और उनके नाविकों को दिया गया, 24 परगना की जागीर दी गई और 1,00,000 रुपया महीने का देने का वचन भी दिया गया और कई छोटे मोटे अधिकारियों को काफ़ी भेंट दी गई। और इसके अलावा कंपनी को जो पैसा मिला वो 8,00,000 चांदी के सिक्के जो लूट थी बंगाल, उसको कई लगभग कहते हैं कि 100 के आसपास नावों में भरकर कलकत्ता भेजा गया। तो ये इस प्रकार का पैसा था, ये इस प्रकार का उत्पादन और वितरण का आर्थिक संसाधनों का फ्लो था बंगाल से इंग्लैंड की तरफ, जिसने कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को तेज किया। और यही कारण है कि इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों की तुलना में एक बड़ी यूरोपीय शक्ति और विश्व शक्ति के रूप में उभरा। तो इसके पीछे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अकूत संपदा थी। तो प्लासी एक ऐसी जंग थी जिसके माध्यम से अंग्रेजी रणकौशल के बूते पर, अंग्रेजी रणकौशल तो था ही नहीं बल्कि अंग्रेजी कूटनीति के बूते पर अंग्रेजों ने एक प्रकार से अपना नियंत्रण कायम किया और अब मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। मीर जाफर से कंपनी ने बड़ी उम्मीदें रख रखी थी। और विद्यार्थियों, मैं आपको आगे की क्लास इसके पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मीर जाफर कंपनी के महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया और कंपनी ने सत्ता मीर कासिम को दी
मीर कासिम को भी हटाया गया और इसके बाद किस प्रकार से कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपना कंट्रोल कायम करने की कोशिश की, किस प्रकार से द्वैत शासन कायम किया गया और किस प्रकार से बंगाल को एक भयानक अकाल के दौर से गुजरना पड़ा और किस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त की नींव पड़ी, इन तमाम बातों को विद्यार्थियों मैं आपसे इस क्लास के पार्ट टू में मैं आपको इन बातों को गंभीरता के साथ समझाऊंगा। तब तक आप अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।